मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक राजकुमार को दिखाया जाता है जो खूबसूरत लड़कियों को अपने महल में बुलाकर बड़ी बड़ी दावतें देता था। तभी हम देखते हैं तूफान से बचने के लिए महल के अंदर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और राजकुमार को एक गुलाब का फूल देने लगती है, लेकिन राजकुमार उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, देखो ना तो तुम्हारा शक्ल सूरत अच्छा है और ना ही तुम खूबसूरत हो। वह काफी बेइज्जती के साथ उसके फ्लावर को नीचे फेंक देता है। वह औरत उसे समझाते हुए कहती है, खूबसूरती तो इंसान के दिल में होती है, चेहरे पर नहीं। इतना कहकर वह एक खूबसूरत लेडी में बदल जाती है, क्योंकि वह एक जादूगरनी थी, इसलिए राजकुमार को आजमाने के लिए आई थी। वह समझ चुकी थी कि राजकुमार दिल से बहुत बुरा इंसान है, इसलिए वह राजकुमार को बीस्ट में तब्दील कर देती है। अब हम देखते हैं वहाँ के सभी लोग उस मैजिक की वजह से राजकुमार को भूलने लगे थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि जादूगरनी ने जो फ्लावर राजकुमार को दिया था वो कोई मामूली फ्लावर नहीं था, दरअसल वह एक जादुई फ्लावर था जिसे लेने से राजकुमार ने ठुकरा दिया था, इसलिए उस जादूगरनी ने उसे श्राप दिया था। जब राजकुमार को इस फ्लावर के अंतिम पंखुड़ी गिरने से पहले उसका सच्चा प्यार मिल जाए, और अगर ऐसा ना हुआ तो हमेशा हमेशा के लिए उसको बीस्ट ही बनकर रहना पड़ेगा। यह पैलेस पूरी तरह से वीरान पड़ चुका है। अब कई साल गुजर जाते हैं और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो पैलेस के बगल वाले गांव में रहती थी, जिसका नाम बेल था। उसको कहानियां पढ़ना बहुत ही पसंद था। इसके फादर डिजाइनिंग के काम करते थे। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम गेस्टोन होता है। वो बहुत घमंडी इंसान था। वह बेल को अपना बनाने के लिए काफी कोशिशें करता रहता था, लेकिन बेल को वो पसंद नहीं था। इसके बाद हम बेल के फादर को देखते हैं जो कुछ काम से बाहर जा रहे थे। वह जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में एक जलता हुआ पेड़ नीचे गिरता है और कुछ भेड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं। उसी के बगल एक और रास्ता मौजूद था जिस पर वह मुड़ जाते हैं। बेल के फादर घोड़े पर बैठे हुए थे। वह देखते हैं कुछ भेड़िये उनका पीछा कर रहे थे। वो अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और भागते भागते उस बीस्ट के पैलेस में आ जाते हैं। वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। महल खाली था, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई यहां रहता है, क्योंकि वहां मोमबत्तियां जल रही थी और टेबल पर खाना पड़ा हुआ था, जिसे देखकर बेल के फादर को बर्दाश्त नहीं होता और खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन तभी वहां हैरत कर देने वाली चीज दिखाई देती है जो एक कप उनसे बात कर रही थी। वो सोचते हैं कोई आत्मा हमें डराने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो कहते हैं मैं तुमसे नहीं डरता। इतना कहकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि वह कप इसलिए बोल पा रहा था क्योंकि वह कभी इंसान हुआ करता था। जादूगरनी के श्राप की वजह से वो सभी इंसान चीजों में तब्दील हो गए थे। इधर बेल के फादर भागकर पैलेस के गार्डन में आ चुके थे। गार्डन में देखते हैं बहुत सारे रंग बिरंगे फ्लावर लगे हुए हैं। वो अपनी बेटी के लिए एक फ्लावर तोड़ने के लिए जाते हैं क्योंकि बेल को फ्लावर्स बहुत पसंद था, लेकिन तभी वहां बीस्ट आ जाता है और उन्हें पकड़कर बंदी बना लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उनका घोड़ा वहां से भागकर घर आ जाता है। बेल अकेले घोड़े को देखकर समझ जाती है कि शायद उसके फादर किसी मुसीबत में होंगे, इसलिए वो घोड़े पर बैठकर जाने लगती है। घोड़ा बेल को सीधा पैलेस के पास लाता है। बेल महल के अंदर जैसे ही आती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो काफी आवाज भी लगाती है, उसे कई आवाजें सुनाई तो दे रही थी लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फाइनली वह उस जगह पर पहुंचती है जहां उसके फादर को बंदी बनाकर रखा गया था। बेल के फादर उसे बताते हैं, जितना जल्दी हो सके यहां से तुम भाग जाओ, ऐसा ना हो कि वह तुमको भी कैद कर ले, क्योंकि यह महल पूरा जीवित है। मैं तुम्हारे लिए फूल तोड़ने गया था, लेकिन उसने मुझे पकड़कर पनिशमेंट के तौर पर बंदी बना लिया। बेल वहां से भागने वाली होती है, लेकिन तभी वहां बीस्ट आ जाता है। बेल उसे देखकर काफी डर जाती है क्योंकि दिखने में काफी खूंखार और डरावना लग रहा था। बेल अपने डर को बिना प्रतीत कराए उससे कहती है, मुझे अपने फादर से बात करनी है, लेकिन बीस्ट ऐसा नहीं चाहता था कि वो दोनों आपस में बात करें। बेल कहती है, इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने उन्हें कैद कर लिया, तुम कितने जालिम इंसान हो। उन्हें फूल तोड़ने के लिए मैंने ही कहा था और किसी भी हाल में मैं उन्हें छुड़ा लूंगी। बीस्ट कहता है, चलो ठीक है, मैं दरवाजा खोल देता हूँ, लेकिन अगर डोर बंद हो गया तो यह कभी नहीं खुलेगा। बीस्ट दरवाजा खोलता है। बेल अपने फादर से मिलती है, लेकिन डोर क्लोज होने से पहले ही वो अपने फादर को बाहर की ओर धक्का देकर दरवाजा बंद कर लेती है। बीस्ट के अनुसार अब दरवाजा बंद हो चुका था जो अब कभी नहीं खुल सकता। बीस्ट उसके फादर को बाहर छोड़ देता है, उसे आजाद कर देता है। और इधर हम देखते हैं अपने फादर की जगह बेल हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाती है।
वह देखती है कैंडल स्टैंड और एक घड़ी बोल रहे थे। दरअसल वो भी कभी इंसान हुआ करते थे जो उस श्राप की वजह से चीजों में बदल गए थे। वो समझ चुके थे कि शायद यही लड़की होगी जो हमें श्राप से आजादी दिलाएगी। वो दोनों बेल से कहते हैं, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, हम तुम्हें रहने के लिए एक रूम देंगे। वो दरवाजा खोल देते हैं। उस समय बीस्ट नहीं होता और इसीलिए उसे रहने के लिए एक रूम भी देते हैं। जब इस बात का पता बीस्ट को चलता है तो वह घड़ी और कैंडल स्टैंड पर काफी गुस्सा होता है, जिस पर वो दोनों बताते हैं शायद यही लड़की है जो इस श्राप से हमें आजादी दिलाएगी। वो कहते हैं, तुम उसके पास जाओ और उसे इम्प्रेस करो, उसके करीब जाकर उसे प्यार के लिए प्रपोज करो, शायद कुछ चमत्कार हो जाए, और हाँ उसे खाने पर इनवाइट भी करो। जिस पर बीस्ट कहता है, तुम लोग पागल हो गए हो क्या, मैं एक चोर की बेटी को खाने पर इनवाइट करूं। सभी काफी फोर्स करते हैं, जिस पर वह मान जाता है क्योंकि उसी की वजह से वह सभी चीजों में तब्दील हो गए थे। इसलिए वह बेल के पास जाता है और उसे अपने साथ खाना खाने के लिए कहता है। गुस्से में कहती है, क्या ये सब नॉर्मल है, पहले तुमने मेरे फादर को कैद किया, फिर मुझे, और अब खाने पर बुला रहे हो, जाओ मैं नहीं आती। जिस पर बीस्ट दरवाजे को बहुत जोर जोर से पीटने लगता है और कहता है, चाहे जो हो जाए तुम मेरे साथ खाना खा कर ही रहोगी, और गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं श्रापित चीजें काफी खुश थे क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि शायद जल्द ही हम इंसान बनने वाले हैं। अब हमें बीस्ट को दिखाया जाता है जो रोज फ्लावर को देख रहा था, उसमें से बहुत सारी पंखुड़ियां टूट कर नष्ट हो रही थी। ये वही फ्लावर था जिसके खत्म होने पर महल के सभी श्रापित चीजें अब कभी इंसान नहीं बन पाएंगे और बीस्ट भी हमेशा हमेशा के लिए जानवर बनकर रह जाएगा। उस फ्लावर पर अब बहुत ही पंखुड़ियां बची हुई थी जो बहुत ही जल्द गिरने वाली थी। इधर हम देखते हैं बेल के फादर घर आ चुके थे। वो सारी घटनाक्रम लोगों को बताते हैं लेकिन उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। लेकिन गेस्टोन बेल के फादर को इंप्रेस करने के लिए कहता है, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा, चिंता ना करें। वह अपने एक दोस्त और बेल के फादर के साथ घोड़े पर बैठ कर जाने लगता है बेल को ढूंढने के लिए, लेकिन वह रास्ता मिलता ही नहीं जिस रास्ते पर बेल के फादर गए थे। गेस्टोन काफी गुस्से में कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, काल्पनिक कहानियां बक रहे हो तुम, कोई बीस्ट नहीं होता। सुनो, मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन बेल के फादर कहते हैं, तुम्हारा यह ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। जिस पर गेस्टोन को काफी गुस्सा आता है, वो उनका हाथ पैर बांध कर एक पेड़ के नीचे उन्हें छोड़ देता है मरने के लिए, क्योंकि वह इलाका उन भेड़ियों का था। लेकिन सुबह हम देखते हैं एक औरत बेल के फादर को बचा लेती है। इधर हम देखते हैं बेल उस रोज फ्लावर के पास पहुंचती है और उस रोज फ्लावर को जैसे ही टच करने वाली होती है, लेकिन तभी वहां बीस्ट आ जाता है और कहता है, तुम्हारी वजह से अभी हम सब लोग मारे जाते, तुम ये क्या करने जा रही थी, और गुस्से में कहता है, तुम यहां से चली जाओ। बेल रोते हुए अपने घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाती है, लेकिन उस जंगल में वे भेड़िए उसका पीछा करने लगते हैं और जैसे ही अटैक करने वाले होते हैं तभी वहां बीस्ट आ जाता है और उन भेड़ियों से काफी मुकाबला भी करता है, जिसके दौरान वो काफी जख्मी भी हो जाता है, लेकिन उन सभी को मारकर वहां से भगा देता है। इधर देखते हैं बेल अपने घोड़े पर बैठकर जाने वाली थी, लेकिन तभी वो देखती है बीस्ट काफी जख्मी हालत में नीचे पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने उन जानवरों से बेल की जान बचाई थी, एक नई जिंदगी दी थी। इसलिए बेल उसके पास जाकर कहती है, तुम्हें हिम्मत करके उठना होगा, और वह घोड़े पर बैठकर बीस्ट को महल की ओर ले जाती है। इन दोनों को देखकर उस पैलेस के सभी श्रापित चीजें काफी खुश होते हैं। वो चाहते थे कि बेल यही रहे और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। वो चीजें बेल को पूरी स्टोरी तो नहीं बताते, बस इतना बताते हैं कि अगर इस फ्लावर की लास्ट पंखुड़ी गिर गई तो हम हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाएंगे और बीस्ट भी हमेशा जानवर ही रहेगा। इधर हम देखते हैं बीस्ट अब ठीक हो चुका है। वो बेल को अपने लाइब्रेरी में लाता है क्योंकि बेल को लव स्टोरी और कहानियां पढ़ना बहुत ही पसंद था। वह देखती है बहुत सारे बुक्स उस लाइब्रेरी में मौजूद थे। बेल काफी खुश होती है क्योंकि उसको गांव में पढ़ने के लिए बुक्स तो मिलते नहीं थे। जिस पर बीस्ट कहता है, अगर तुम चाहो हमारे साथ यहाँ रह सकती हो। यह सुनकर बेल काफी खुश होती है। हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। बीस्ट उसे गाना गाकर सुनाया करता था और दोनों एक साथ खाना भी खाते थे। इसके बाद हम देखते हैं बीस्ट बेल को एक जादुई किताब दिखाता है। वह कहता है, यह किताब मुझे एक जादूगरनी ने दिया था। इस जादुई किताब के जरिए हम किसी भी टाइम में पहुंच सकते हैं। दरअसल वो एक टाइम ट्रेवल बुक था। बेल उस समय में जाना चाहती थी जब उसकी माँ जिंदा थी। उसी समय
समय में जाती है तो पता चलता है कि उसकी माँ को एक इन्फेक्शन हुआ था, जिस पर उसकी माँ बेल के फादर को कहती है, मेरी बेटी को लेकर यहाँ से कहीं दूर ले जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यह बीमारी उसे भी लगे। अब हम देखते हैं बेल काफी दुखी होती है क्योंकि वह अपने प्रेजेंट में वापस आ गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैंडल लाइट और घड़ी बीस्ट को बता रहे होते हैं कि शायद वह समय आ गया है कि तुम अपने प्यार का इजहार करो, लेकिन बीस्ट कहता है वो नहीं मानेगी, जिस पर कैंडल लाइट उसे काफी मनाने की कोशिश करता है। फाइनली बीस्ट मान जाता है और उसे तैयार करने के बाद इधर बेल को भी तैयार कर देते हैं। हम देखते हैं दोनों डांस करने लगते हैं। इसके बाद हमें बेल के फादर को दिखाया जाता है जो गांव में वापस आ चुके हैं। गांव के लोगों को बताते हैं कि गेस्टोन मेरा हाथ पर बांध कर जंगल में छोड़ दिया था उन खूंखार भेड़ियों के बीच मरने के लिए, लेकिन गेस्टोन इस बात को मानने के लिए इनकार कर देता है और कहता है इस बुड्ढे के दिमाग पर कोई काला जादू कर दिया है। सभी लोग बेल के फादर को पकड़ लेते हैं। इधर हम देखते हैं बीस्ट और बेल डांस को काफी इंजॉय कर रहे थे, जिस पर बीस्ट उसे बताता है कि मैं इस फीलिंग को मानो भूल ही गया था। बेल कहती है डांस करना मेरे फादर ने मुझे सिखाया था। बीस्ट पूछता है क्या तुम अपने फादर को मिस करती हो? वो कहती है हाँ बहुत ज्यादा। वह एक मिरर उठाता है, दरअसल वो एक जादुई मिरर था जो किसी भी पर्सन को देखा जा सकता था अगर वो चाहे तो। बेल अपने फादर को उस आईने में देखती है तो पता चलता है कि सभी लोग उसके फादर का हाथ पैर बांध कर कैदी बना रहे थे, जिस पर बीस्ट कहता है तुमको जाना चाहिए, अपने फादर की मदद करनी चाहिए क्योंकि उनको तुम्हारी जरूरत है, और अपना मिरर देते हुए कहता है अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मेरी इस बस सूरज से शक्ल को देख लेना। उस मिरर को लेकर बेल वहाँ से गांव की तरफ निकल जाती है। बेल उससे काफी दूर जा चुकी थी इसलिए पैलेस के सभी श्रापित चीजें और बीस्ट भी काफी दुखी होता है क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम कभी इंसान नहीं बन पाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेल अपने गाँव में पहुंच चुकी थी। वो अपने फादर को बचाने के लिए सभी को बताती है मेरे फादर ने जो कुछ भी बताया वो सभी सच था। बेल मिरर में उस बीस्ट को दिखाती है जिसे देखकर लोग डर जाते हैं, जिस पर बेल कहती है डरने वाली बात नहीं है क्योंकि यह कोई खतरनाक नहीं है बल्कि वह दिल का बहुत अच्छा बीस्ट है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जिस पर गेस्टोन समझ जाता है कि बेल उस बीस्ट से प्यार करने लगी है इसलिए गांव के लोगों को उकसाता है और कहता है उस बीस्ट ने इस बेल पर भी काला जादू कर दिया है इसलिए हमें इसे भी बंदी बना लेना चाहिए और हमें उस पैलेस में जाकर बीस्ट को मार देना चाहिए क्योंकि वो अगर हमारे गाँव में आ गया तो वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा, पूरे गाँव को खत्म कर देगा, इसलिए हमें जाना चाहिए। गेस्टोन की बातों में आकर सभी गाँव वाले महल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब सभी महल के अंदर आते हैं तब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि सभी बेजान चीजें उन पर अटैक कर रही थी। इधर हम देखते हैं गेस्टोन बीस्ट के पास पहुंच जाता है। वह देखता है बीस्ट काफी उदास था क्योंकि बेल के जाने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। गेस्टोन बीस्ट को कहता है तुम्हें मारने के लिए बेल गाँव वालों को अपने साथ लाई है, तुम क्या सोच रहे थे तुमसे प्यार करती है? इतना कहकर वह बीस्ट पर गन से फायर कर देता है और बीस्ट नीचे जा गिरता है और गिरने से पहले ही छत के टॉप को पकड़ लेता है। गेस्टोन दोबारा बीस्ट पर गोली चलाने वाला था लेकिन तभी वहाँ बेल आ जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। इसी फाइट के दौरान गेस्टोन भी नीचे गिर जाता है अपने गन के साथ। बीस्ट ऊपर आने की कोशिश कर रहा था जिस पर बेल कहती है मैंने अपने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मेरी एक नहीं सुने। बीस्ट बेल को देखता है तो उसे लड़ने की ताकत आ जाती है इसलिए वो गेस्टोन से लड़ने के लिए नीचे जाता है और उसका गर्दन पकड़कर हवा में कर देता है, छत से फेंकने वाला होता है। तभी गेस्टोन बीस्ट से काफी रिक्वेस्ट करता है, वो कहता है बीस्ट मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, जिस पर बीस्ट कहता है मैं बीस्ट नहीं हूँ और इतना कहकर उसे छोड़ देता है और कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं बीस्ट अब बेल के पास आ जाता है, इसी का फायदा उठाकर गेस्टोन पीछे से उस पर गोली चला देता है जिससे बीस्ट नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं वह जिस जगह पर खड़ा था वह जमीन टूटकर नीचे गिर जाती है जिससे गेस्टोन भी गिरकर मर जाता है। बीस्ट की हालत अब खराब हो रही थी क्योंकि वह काफी जख्मी था, वह मरने की कगार पर होता है। बीस्ट कहता है अब मेरे मरने का वक्त हो चुका है, जिस पर बेल कहती है तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, फिर से यह सब नॉर्मल हो जाएगा, हम साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब तो उस फ्लावर की आखिरी पंखुड़ी भी टूटकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद बीस्ट की सांसें रुक जाती है और महल की सारी चीजें जान पड़ जाती हैं।
इधर हम देखते हैं बेल की आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने प्यार का इजहार करते हुए कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद हम उस औरत को देखते हैं जिसने बेल की फादर की जान बचाई थी। असल में वह जादूगरनी होती है जिसने श्राप दिया था। वह जान चुकी थी कि बीस्ट को किसी से प्यार हो चुका है। वह और कोई नहीं बल्कि बेल ही होती है और बेल भी उसे प्यार करती थी, इसलिए वह अपना श्राप वापस लेती है। और इसी समय चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। बीस्ट अब एक खूबसूरत राजकुमार में बदल जाता है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सभी श्रापित चीजें इंसान में तब्दील हो जाती हैं। सभी इंसान बन जाते हैं। इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है।